अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। चलिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। हम लोग ऐसे टहल रहे थे वॉकिंग के लिए, तो शाम का वक्त, शाम मतलब शाम नहीं, 4:30 वैसा वक्त था, तो चल रहे थे। देखिए यहाँ पर फनस का झाड़, क्या बोलते हैं आप, मैं जैकफ्रूट फनस का झाड़ देखिए कितना मस्त नीचे नीचे लगे हुए थे, कितने बड़े थे देखिए, माशाल्लाह। फर्स्ट टाइम इस कॉलोनी के एंटर हुए थे तो इस नीचे तो मुझे लगा तो बहुत हैरान हुई देखकर ज़मीन के नीचे। अब चलिए मैं आपको लेकर चलती हूँ मेरी रेसिपी के तरफ। डिनर रेसिपी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, मामूल सी रेसिपी है, हर घर में जो बनता है, खिचड़ी। हाँ, इस बार मैं खाइमा नहीं बनाई या कुछ खट्टा भी नहीं, सिर्फ बैंगन, बघारा बैंगन और खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि हमारे साइड यही बनता है। तो मैं तो बहुत दिन हो गया खाए नहीं, तो बोल के इसलिए चलो इस बार खिचड़ी और सारे बैंगन बनाएंगे। सारे बैंगन बोलती हूँ मैं, आप बघारा बैंगन बोलते स्टफ और क्या बोलते मेरे को नहीं मालूम, दूसरे सिंपल सा है। एक मैं बनाई थी 1 किलो का चावल का बनाई थी, तो मैं उस टाइम उस हिसाब का भगोना रख के मैं तेल डालकर प्याज और अदरक लहसुन पेस्ट डाल के अच्छे प्याज एज यूजुअल गोल्डन फ्राई हो तक मैं फ्राई करके बाद में अदरक लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच, 3 से 4 हरी मिर्ची, हल्दी, क्योंकि खिचड़ी है ना तो हल्दी डाल के रखना। अब उसके बाद पानी एज यूजुअल 1:2 रेशियो का पानी, आप जितने हिसाब 1:2 या उससे थोड़ा सा भी कम रख सकते। अब यहाँ पर मैं बैंगन सान, लेकिन ये मैं बना रही हूँ तैयारी, ये है फली की बींच या सेंगदाना बोलो, क्या बोल पीनट। अब देखिए यहाँ पर उबाल आ गया है मेरा खिचड़ी का बघार, खिचड़ी का उबाल आ गया है दादन, तो मैं यहाँ पर चावल डाल रही हूँ, वही मैं बोली ना चावल और मूँग की दाल मैं धो के रखी थी ऑलरेडी, समझो मैं 2 ग्लास चावल ली हूँ तो 1 ग्लास मैं मूंग की दाल लेती हूँ, वही रेशो मैं खिचड़ी बनाती हूँ। 3 ग्लास का मैं खिचड़ी बनाई हूँ, तो 2 ग्लास चावल और 1 ग्लास मूंग की दाल का, मूंग की दाल भी डाल लो या मसूर की दाल भी डाल लो, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम मैं मूंग की दाल की खिचड़ी बनाती हूँ, मसूर की दाल बहुत रेयर। अब ये देखिए मैं छोड़ देती हूँ इसे, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डाल लो, गरम मसाला नहीं डालती, थोड़ा बहुत इलायची नहीं सॉरी लौंग और थोड़ा चकला डालती हूँ मैं, नमक आपके टेस्ट के हिसाब से लो। मैं तो 2 चम्मच डालती हूँ, 2 या 2 चम्मच के ऊपर भी डिपेंड रहता है, अगर चम्मच छोटा हो तो ज़्यादा डालना पड़ता है, अगर छोटा रहे तो बड़ा रहे तो थोड़ा कम। अब चलिए मैं अब सालन का तैयारी कर रही हूँ, थोड़े से अदरक, थोड़ा सा लहसुन और भुने हुए फली के बीन्स और प्याज कट करके डाल रही हूँ मैं, प्याज टमाटर। तो चूल्हे पे कुकर रख के मैं ऊपर तैयारी कर रही हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि दोपहर का टाइम था, तो इधर टमाटे भी 5-6 टमाटे, 2-3 प्याज उतना काट के रख लेती हूँ, और टमाटर के साइड वो उजला पार्ट भी निकाल दीजिए सामने का, एक्चुअली पूरा निकालना है, मैं एक बार भूल जाती हूँ, एक बार काट देती हूँ, और एक बार मैं टमाटर की बींच भी काट देती हूँ, एक बार भूल जाती हूँ, ऐसे ही बोल रही हूँ ना, अर्जेंट रहा तो भूल जाती हूँ, अगर टाइम रहा तो फुर्सत मिली अगर याद आया तो मैं टमाटर की बींच भी काट देती हूँ। देखिए मैं थोड़ी सी इमली भी डाली उसमें, क्योंकि बैंगन का बघारा सालन ना, बैंगन का सालन तो खट्टापन रहे ना बोल के थोड़ा सा इमली भी डाली हूँ उसमें, फली की बींच भी डाली हूँ, अदरक लहसुन, फली की बींच, टमाटे, प्याज और इमली, क्योंकि सूखा खोपरे का पाउडर मेरे पास ऑलरेडी है तो इसलिए मैं नहीं डाली इसमें, नहीं तो वो भी डालती, तिल भी डाल सकते, मेरे पास तिल नहीं था तो डेली यूज़, कोई मेहमान तो नहीं है तो घर में बनाने का था, तो इसलिए मैं फली बींच और खोपरा डाल के बनाई, अच्छा था। अब इधर देखिए मैं पीसने के बाद मैं इधर कुकर रख दी थी, जल्दी फटाफट कुकर में बनाती हूँ मैं बैंगन का सालन, बघारा बैंगन का सालन, देखिए इधर
झटपट सा पकवान है, 1 घंटे या आधा घंटे में हो जाएगा। अब इसमें तेल 1 चम्मच, 1 नहीं 2, क्योंकि बघारा साला है ना, थोड़ा बहुत तेल एक्स्ट्रा पड़ता है, तो 2 चम्मच प्याज, 2 चम्मच तेल, 2 चम्मच प्याज नहीं सॉरी 2 चम्मच तेल, 1 डली प्याज, थोड़े बहुत गरम मसाले, जैसे गरम मसाले लौंग चकला और काली मिर्ची, काली मिर्ची कंपलसरी है बघारा बैंगन के साले में, मैं डालती हूँ, पता नहीं दूसरे डालते हैं या नहीं डालते, मैं डालती हूँ, हमारे घर में डालते हैं। और वो जो पिसा हुआ मसाला, पहले से पिसा हुआ मसाला था ना वो, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट ख़त्म हो गया था, सिर्फ इसमें खिचड़ी के लिए बचा हुआ था, तो इसलिए फिर मैं फ्रेश पीसना का टाइम हो जाता तो इसमें डाल के सब कुछ पीस दी थी। अब एज यूजल नमक, मसाला, लाल मिर्ची का पाउडर, हल्दी, धनिया का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर 2 चम्मच, हाँ धनिया का पाउडर 1 चम्मच काफ़ी है, हल्दी 1/2 चम्मच, और क्या डालते हैं, नमक तो आपके टेस्ट के हिसाब से। अब ये मैं डाल रही हूँ सूखा खोपरे का पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मैं पीस के फ्रिज में रखी थी, तो वही मैं इधर यूज़ कर रही हूँ। देखिए आप अच्छे से पकाने, इसको अच्छे से हिलाऊंगी और थोड़ा बहुत पकाऊंगी उसको, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं। अब देखिए मैं जार खाली करके जार धो धो के अच्छे से डाल रही हूँ, क्योंकि वेस्ट नहीं करना कुछ भी, बहुत मेहनत से हम लोग कमाते हैं, बहुत मेहनत से हमको मिलता है, वेस्ट क्यों करना, सब कुछ अच्छे से क्लीन कर कर के डाल दीजिए प्लीज़, कोई भी वेस्ट मत कीजिए। अब देखिए मैं बैंगन काट रही हूँ इधर, कुछ कीट वगैरह नहीं, तो क्योंकि बैंगन में ज़्यादातर कीड़े रहते हैं, अब देख कर काटना पड़ता बैंगन को, इसलिए तो मैं छोटे छोटे थे और अल्हम्दुलिल्लाह तो कीड़े तो नहीं थे, अच्छा था, जब नहीं तो अगर बादशाह क्या बोलते हैं, इतने कीड़े रहते एक एक बार, तो बैंगन सालन सारे बघारा बैंगन छोड़ के मामूल सालन बनाना पड़ता था, सारे बैंगन छोड़ के, तो इसलिए मैं थोड़ा चक्कर करके डेटों थोड़ा बहुत मैं रखती हूँ, क्योंकि डेट रहने से बहुत मज़ा रहता, थोड़े लोग खाते थोड़े लोग नहीं खाते, मैं खाती हूँ, मुझे बहुत मज़े का दिखता हूँ। अब देखिए इतने से बैंगन बहुत थे, ये एक वक्त सालन के लिए बहुत अब देखिए पूरा तेल छूट गया, देखो मैं बोली ना, अब इसमें मैं डाल दूंगी आसान, कुछ मसाला भरने की ज़रूरत नहीं है, अंदर कुछ भी नहीं है, ऑटोमेटिक उसमें चल जाएगा, क्योंकि अब देखो हम लोग भर के बनाते हो सालन, फिर भी वो निकलता ना पकने के टाइम, भर के पकाओ तो भी निकलता, पहले मेरी नानी मेरी अम्मी पहले जब हम छोटे बच्चे थे तो उसमें सालन बैंगन में भर के तल के पकाते थे, उसके बाद देखे तो सालन ही नहीं रहता था बैंगन में, फिर बाद में मैं बोली क्यों डाल के पका, अब ऐसा मैं ऐसा ही स्टार्ट करी, क्यों डाल के पकाना, ऐसे ही डाल के पकाए तो ऐसा भी मसाला जाएगा वैसे भी मसाला आ जाएगा, वो तो अभी मसाला जो भर के रहता तो वो निकल जाता। अब देखिए दो सीटी लगा दो फिनिश, मस्त मस्त सालन बन जाता आपको थोड़ी देर में, बिना कुछ टाइम वेस्ट किए आप, माशाल्लाह कितने मज़े का दिख, बहुत मज़े का बना था सालन। आप भी ऐसे ट्राई कीजिए, मुझे कमेंट में कीजिए, कमेंट कीजिए। देखिए अब मैं लगा दूंगी 1 या 2 सीटी, 1 नहीं 2, एक बार कच्चा रह जाता अगर बैंगन, 2 सीटी दे। देखिए मेरी खिचड़ी भी बन के तैयार हो गई थी माशाल्लाह, इतनी मज़े की थी देखिए, और देखिए आप मैं थोड़ा बहुत जूम करके दिखा रही थी मैं, बट क्लियर नहीं आ रहा क्योंकि भाप कैमरे पर आ रही थी, तो देखिए आप मूंग की दाल भी दिख रही है आपको शायद, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा था। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छे अच्छे वीडियोस के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ थोड़ा बहुत मेरा कंटिन्यू नहीं है, मैं कंटिन्यू करेंगी इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह मेरा सालन कितना मज़े का दिख रहा, देखिए आप मैं कुकर काटती ही जैसे अभी पक रहा हूँ, बट मैं ऑफ़ कर दी थी उसको। चलिए मैं चलती हूँ, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।